हमारे घर आया। मेरठ के साथ खेलने में बहुत मजा आया। वन टू थ्री गो। देखो जान, मेरी गाड़ी जीत गई। चलो फिर से करते हैं। रेडी हो तुम? हाँ, अब की बार मैं ही जीतूंगा। तो चलो देखते हैं। वन टू थ्री गो। यस, देखा ना, मैं जीत गया। बच्चों, खाना तैयार है बेटा, आकर खा लो। आ गया दादी जान। चलो मिर्थ, चलते हैं। मिर्थ और मुझे बहुत भूख लगी थी, जल्दी से खाने की टेबल पर गए। दादी जान बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाथ धोए हैं ना मेरे बच्चों तुम लोगों ने? जी हाँ। नहीं जान बेटा, खाने से पहले हाथ धोकर आओ। बेट ने हाथ तो नहीं धोए थे, फिर उसने झूठ क्यों बोला? बहुत शुक्रिया दादी जान, खाना वाकई बहुत मजे का था। वाकई ही नूर दादी जान, बहुत अच्छा था। बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे बच्चों, चलो अब खेलो तुम लोग। चलो मैं चल के खेलते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। खाने के बाद मैट के साथ दोबारा खेलना शुरू कर दिया। मेरी गाड़ी बहुत बड़ी है जान, अब इससे जरा बच के दिखाओ तुम। ओह, ये क्या किया तुमने? ये अम्मी का गमला था, अब क्या होगा? हाँ, मैं कुछ करता हूँ, फिक्र मत करो तुम। इस पेज पर मेरे भाई ने तस्वीर बनाई थी मर्द। कोई बात नहीं, फिर बना लेंगे। इसके लिए कितना वक्त लगा है पता है तुमको? खेलते वक्त गमला गिरा दिया, भाई की तस्वीर खराब कर दी। मैंने अम्मी को बताना चाहा, मगर मर्थ ने बताने से रोक दिया। किसी को मत बताना कि ये हमने किया। लेकिन ये हमसे हुआ, झूठ नहीं बोलना चाहिए। कुछ नहीं होता, बहुत छोटा सा झूठ है, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये हमने किया। जान, खेल कैसा जा रहा है? ठीक। तुम लोग कौन सी गेम खेल रहे हो? गाड़ियों की रेस लगा रहे थे हम दोनों। हाँ, बहुत अच्छा, मुझे भी ये खेल पसंद है। दादी जान, अगर किसी से गलती हो जाए तो क्या उसको छुपाने के लिए झूठ बोल सकते हैं? नहीं मेरी जान, झूठ बोलना बहुत बुरी बात होती है, झूठ से हमेशा नुकसान ही होता है। अंजाम कुछ भी हो, इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए, सच्चाई की ही जीत होती है। दादी जान, अगर झूठ बोलने से बड़े नाराज हो तो? बच्चे अगर हमेशा सच बोलेंगे तो बड़े कभी भी नाराज नहीं होंगे, क्योंकि बड़े बच्चों के झूठ से नाराज होते हैं, सच से कभी भी नाराज नहीं होते। दादी जान ने बताया कि झूठ बोलना बुरी बात है, तो मैंने कुछ सोचा। दादी अम्मा से मैंने बात की, हम उनको बताएं तो हमारी मदद करेंगी, झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि झूठ बोलना बुरी बात होती है। चलो अभी जाके दादी जान से बात करते हैं, क्या सोच रहे हो? नूर दादी जान,
जी मेरे बेटे, क्या हुआ बच्चों? नूर दादी जान, मैं जान के साथ खेल रहा था कि मुझसे गमला गिर गया। इसको ठीक करने में हमारी मदद करेंगी दादी जान? कमरा भी गंदा हो गया है। बिल्कुल करूंगी बेटा, वेरी गुड मेरा बच्चा, सच बोलने पे मैं तुमको शाबाश देती हूँ। चलो गमला ठीक करते हैं, पर नेक्स्ट टाइम ध्यान से खेलना। चलो देखते हैं गमले को क्या हुआ है। आप बहुत अच्छी हैं दादी जान। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब चलते हैं। मेरी दादी जान बहुत ही अच्छी हैं। गमले को ठीक करने में हमारी मदद की। अल्लाह का शुक्र है तुम्हारे फूलों को कुछ नहीं हुआ, बस इसमें कुछ मिट्टी और डाल देते हैं, फिर ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया दादी जान। शुक्र है गमला ठीक हो गया। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ दादी जान। शाबाश मेरे बच्चों, तुमने बहुत मदद की। नूर दादी जान, मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम बेटा। गमला पहले की तरह ठीक हो गया, मुझे और मेरे को बहुत खुशी हुई। कैच पकड़ो जान। ये बहुत अच्छी बॉल फेंकी तुमने जान, अब तुम्हारी बारी। खुशामदीद भाई जान। थैंक यू जान। खुशामदीद मेर्थ, तुम कैसे हो, ठीक हो? अच्छा हूँ मुराद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम दोनों मिलकर खेलो। वो मुराद भाई। क्या बात है मेर्थ? वो मैंने आपकी तस्वीर खराब कर दी, सॉरी। सॉरी की जरूरत नहीं है मेर्थ, फिर बना लेंगे। वैसे भी मुझे वो ज्यादा पसंद नहीं थी। बहुत शुक्रिया आपका मुराद भाई। हे याहू। उस दिन दादी जान ने हमें समझाया कि झूठ बोलना बहुत बुरी बात होती है। बाद में क्या हुआ वो बाद में बताऊंगा। अभी इस बुक में बहुत से पेजेस बाकी हैं। सच बोलने वाला इंसान होता है पुरसकून, मेहरबान, ईमानदार, जमीर, ऐसा पुरसकून ताबीर जैसा। सच बोलने वाला इंसान होता है पुरसकून, मेहरबान, ईमानदार, जमीर, ऐसा पुरसकून ताबीर जैसा। ठीक रहो, ठीक बनो, अच्छे वक्त की तस्वीर बनो, वक्त जैसा भी हो ईमान चुनो, खास रहो, बुरे झूठ के सामने रखो सच की आईने, हर वक्त सच कहो, सच रहो।